करूं हिफाजत तेरी, तू देख ले शिद्दत मेरी, चलने से पहले सांसें लेती है इजाजत तेरी, रहनुमा मेहरबान। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। स्वागत है आपका माइटी केटरिंग में, और आप मेरे साथ हैं यानी कि अनुराग वर्मा के साथ। और आज मैं आपको थोड़ा सा लुटा 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 सा लग रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं थोड़ा सा लुटा लुटा सा हूँ बिकॉज़ पिछले 2 दिन से मेरा जो बीपी है वो खासा लो है, और जो अभी भी एकदम एनर्जी कोई नहीं है बॉडी में। तो अभी हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे एक खासा एक जो है स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि मुझे अभी जाकर के एक कॉफ़ी बनानी चाहिए। तो कुछ खाना पीने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ एक्चुअली नहीं खा पा रहा। और जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने बैठा था तो ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं हुआ था। तो चलिए अब जल्दी से कॉफ़ी बना लेते, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि एक कप ऑफ हॉट कॉफ़ी विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो चलिए जी कॉफ़ी बना लेते हैं। कॉफ़ी बनाना तो मैंने शुरू कर दिया। दूध को मैं बॉयल कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसा नहीं कि मैं जैसे होता ना कि फिटी हुई कॉफ़ी बनाते हैं, क्या करते हैं क्या बोलते हैं उसको, फ्रोदी सी कॉफ़ी बनाते हैं, कैपुचिनो क्या बोलते हैं उसको, भूल गया यार मैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ, उसको बोलते हैं बीटन कॉफ़ी। सो जैसे कि बीटन कॉफ़ी नहीं बना रहा मैं अभी, जल्दी से सिर्फ कॉफ़ी पाउडर डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, दूध उबा लूंगा और सबको मिक्स कर लूंगा, बिकॉज एक्चुअली एनर्जी इतनी लो है कि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। जिम भी नहीं गया इसीलिए, बिकॉज तबीयत बिल्कुल नासाज सी लग रही थी। ये रही कॉफ़ी, और थैंक यू वेरी मच हमारे दोस्त, एक्चुअली इनका नाम ऐश्वर्या जी है। तो ऐश्वर्या जी थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे इतनी खास नसीहत दी कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। सो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि कितना अनूठा सा रिश्ता है कि हम लोग मात्र इस कैमरा और आपके उस तरफ के फ़ोन या कोई टेलीविजन या जिस पर भी आप देखते हैं उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, और कैसे किस तरह से हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे के बारे में जब जानते हैं बात करते हैं तो अच्छा फील करते हैं। सो जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा बीपी लो है तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। और मैंने जब उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी पीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे। तो इट एक्चुअली फील्स वेरी वेरी गुड, पहले मेरे बाल थोड़े ठीक कर लूँ। इट फील्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड जब आपके कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनसे आप पर्सनली मिले नहीं, जिन्हें कभी आपने मतलब पर्सनली देखा भी नहीं, और वो लोग आपकी इतनी केयर करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर कोई दो लोग भी मेरा ये वीडियो देखते हैं और वो दो लोग भी मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं और मेरी बातें समझ पाते हैं, मेरा इमोशंस जो है समझ पाते हैं, थ्रू होते हैं इमोशंस इज एक डिवाइस और एक जो दूसरे एंड पे डिवाइस है उसके थ्रू। सो ये अपने आप में एक मैजिकल सी चीज़ है ना, कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। सो यही आई थिंक एक अचीवमेंट है, जो कि इतना मेहनत करी यूट्यूब पर, चीज़ें डाली और बनाया, मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करो, रोज़ एडिट करो। सो दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर आपको बिना मिले आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं एंड यू फील कनेक्टेड, आपकी दोस्ती अच्छी होती है। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर एवरीवन जो देख रहे हैं, जो कनेक्टेड हैं। डीप बहुत चला जाता हूँ, तो मेरी कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी है। सो और ऑब्वियसली मग फुल ऑफ कॉफ़ी है, तो गर्म भी है अच्छी खासी। सो मैं इसको पीता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग्स में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग वर्मा, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल माय बिग एप्रिल में। और दिल्ली का मौसम बदल गया है, और लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने यहाँ खिड़की में कूलर लगाने का टास्क करा था, तो कूलर तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन अभी एक टास्क मेरा बाकी है जो कि आज तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, वो कल के किसी व्लॉग में होगा। और ये व्लॉग आ रहे हैं बहुत बहुत टाइम बाद, बिकॉज मेरी तबीयत कुछ नासाज सी थी, तो तबीयत में अभी थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू हुआ, और कुछ ही दिन की बीमारी ने शक्ल को एकदम से उतार दिया है। और शाम को ये व्लॉग मैं लगभग 8 बजे शूट कर रहा हूँ, 8 से ज़्यादा ही इनफैक्ट टाइम गए, और पुराने कुछ क्लिप्स भी है जो इसमें इंक्लूड करूँगा, एक टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। और एक मेरा ऑलरेडी एक ऐसा टास्क है जो कि काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग है, वो करने की कोशिश की थी लेकिन वो काम मैं पूरा नहीं कर पाया।
आज एक काम है जो काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था, जिसको मुझे लगता है कि मुझे आज कर लेना चाहिए। ये मेरा एक जो है लैपटॉप टेबल है जिसको मैं यूज़ करता हूँ काम करने के लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, ये है कि जो इसकी ये शेल्फ है, ये एडजस्टेबल शेल्फ है, बट अगर आप देखें तो इसका ये जो कब्ज़ा है ये टूट गया है, और हमको इसको फिक्स करना है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसे एक बार पापा जी ने करा था कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन ये फिर से जो है सस्टेन नहीं कर सका था। तो मुझे लगता है कि इसको अपना प्रॉपरली खोल करके अनस्क्रू करके दोबारा से ठीक करना होगा। तो इसका जो कनेक्टिंग एक बोल्ट सा था वो मेरे पास है, सो मैं उसको निकाल लेता हूँ और फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। मेरे बिना कुछ किए ही इसका ये जो प्ले, मतलब क्या बोल सकते हैं, टेबल टॉप है, ये अलग हो गया है। अब इन कब्ज़ों को और ये जो कब्ज़े हैं इसमें, इनको मुझे अलाइन करना है। आई एम नॉट श्योर ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा इसके लिए खर्चा जाता है और स्टिल क्वालिटी लाइक इज नथिंग। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अनस्क्रू कर लेते हैं। चलिए जी, अनस्क्रू तो मैंने इसको कर लिया है, अब इनकी बारी है जिन्हें अनस्क्रू करना होगा। और ये थोड़ा सा देखिए खुल से भी गए हैं, अगर एक मिनट लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ तो देखिए ये खुल से गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, जबकि ये राउंड होने चाहिए कुछ इस तरह से इन्हें राउंड होना चाहिए, लेकिन ये खुल गए हैं। सो इन्हें भी कर लेते हैं और फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो क्या है वो टास्क, वो टास्क है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं वो कंप्यूटर टेबल या लैपटॉप टेबल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कब्ज़ा होता है वो कब्ज़ा मुझे नहीं मिल पाया है। सो उस कब्ज़े को हम ढूंढ रहे हैं, साथ ही एक दो टास्क और हैं जो कि इस बार वीकेंड पर करने हैं। सो फिर से वापस जो है तबीयत ठीक होने के बाद थोड़ा सा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा है। उधर किचन में बन रही है अभी आइसक्रीम, सो जैसे जैसे उस किचन की आइसक्रीम की प्रोसेस आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल बैक टू वर्क, और व्लॉग जो शूट हो रहा है इसमें एक चीज़ और है कि मम्मी अभी किचन में कुछ बना रही है, जो कि दूध और ये मैंगो पल्प है। सो मम्मी यहाँ बना रही है मैंगो आइसक्रीम, तो क्या क्या दूध मैंगो और वो लिया ना चीनी। सो फुल क्रीम दूध लिया है, आधा लीटर मैंगो लिया है, और साथ में लिया चीनी, साथ में ना यहाँ ये बैगन, बैगन भाजा बोलते हैं इसको। सो ये तो एक बंगाली डिश है, मतलब हमने देखी थी ऑनलाइन ही देखी थी ये चीज़ भी, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। तवे पर सेक लेते हैं इनको, शैलो फ्राई सा कर लेते हैं। सो मैं वापस इधर से आ गया हूँ, क्योंकि मेरे ना शायद कुछ अपडेट आया है, तो वो देखने आया था। सो मैंने चेक कर लिया, फ़ोन को अपने पास रख लिया ताकि कोई भी अपडेट आए तो मैं फटाफट चेक कर सकूँ। थोड़े दिन की मतलब तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो शक्ल एकदम ऐसे उतर चुकी है। पाउडर तो ये कस्टर्ड पाउडर है जो कि मम्मी ने घर में ही बनाया था, तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक फ्लेवर है आज नहीं है, तो प्लेन कस्टर्ड पाउडर है। तो जैसे वनीला मैंगो या और फ्लेवर होते हैं, कोई फ्लेवर नहीं है, तो ये एक प्लेन कस्टर्ड पाउडर है। तो ये आइसक्रीम को देगा थिकनेस, इसलिए मम्मी ऐड कर दिया। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि भले ही आइसक्रीम गर्मियों में एकदम ठंडक देती हो, भाई मस्त एकदम ठंडा ठंडा एहसास कराती हो, लेकिन जब आइसक्रीम बनती है तो वो एक्चुअली जो आइसक्रीम बना रहा होता है वो अच्छी खासी गर्मी में खड़ा होता है। तो मम्मी जैसे अभी दूध को बॉयल कर रही है, तो दूध बॉयल कर लिया अभी तक मम्मी ने प्रोसेस में, क्या किया दूध बॉयल कर लिया, उसमें कस्टर्ड डाला है, चीनी डाली है, और उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया है। और अब अगला काम होगा, जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मम्मी उसमें जो है आम को मिक्स कर देगी, आम का पल्प है, मैंगो पल्प, सो वो मिक्स कर देंगी, तो वो मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम हो जाएगी और हम लोग उसको एंजॉय कर लेंगे। ये बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ श्योर है कि जो मैंगो आइसक्रीम है वो आज नहीं मिलेगी हमें खाने को। आइसक्रीम तो हम
कल ही खा पाएंगे, बिकॉज आइसक्रीम को आइसक्रीम बनने के लिए कुछ देर फ्रीजर में भी रहना होगा। सो प्रोसेस तो यहाँ पूरी हो जाएगी, जो फल है वो कल मिलेगा, इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा हो। सब्र का फल मीठा होता है और कभी कभी मैंगो फ्लेवर भी होता है सब्र का फल। सो हमारे सब्र का फल मिलेगा हमें कल। अभी पिछले कुछ दिनों से ना मैं एक गाना जो है सुन रहा हूँ, हालांकि काफ़ी पुराना गाना है, लगभग 10 से 12 साल पुराना गाना है, 2012 का गाना है, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 11 साल पुराना गाना है। सो इट इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, और मेरे फेवरेट सिंगर्स लाइक सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाना गाया, बहुत ही बढ़िया। सो ये गाना ना मैं बहुत दिनों से गुनगुना रहा हूँ, तो जैसे आप लोग भी बोलते हैं कभी कभी कि गाना लाइव सेशन में बोलते हैं ना गाना सुनाओ, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को डरा ही दिया जाए, अपनी इस जो है फटी आवाज़ में आप लोगों को गाना सुना ही दिया जाए। तो चलिए मैंने सोचा कि चलो मैं गुनगुना रहा हूँ ये गाना बहुत दिनों से, तो मे बी थोड़ा सा इम्प्रूव तो मैंने कर लिया हो, तो अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट होगी सो तो वो मैं ये गाना डाल दूंगा ब्लॉग में, अदरवाइज काट दूंगा। कौन कहंदा है कि दुनिया विच रब गया, कौन कहंदा है कि दुनिया विच रब गया, मैनू नैणा विचो तेरे लब गया, हाय मैनू नैणा विचो तेरे लब गया, मैं करूं इबादत तेरी तेरे दम तो बरकत मेरी, शामिल मैं हूं तुझ में और मुझ में शिरकत तेरी, मेहरबान रहनुमा जान जान मेहरबान। हाय कौन कहंदा है कि दुनिया विचो रब गया, कौन कहंदा है कि दुनिया विचो रब गया, मैनू नैणा विचो तेरे लब गया, हाय मैनू नैणा विचो तेरे लब गया, मैं करूं हिफाजत तेरी तू देख ले शिद्दत मेरी, चलने से पहले सांसें लेती है इजाजत तेरी, रहनुमा मेहरबान। हाय कौन कहंदा है कि दुनिया विच रब गया, कौन कहंदा है कि दुनिया विचो रब गया, मैनू नैणा विचो तेरे लब गया, मैनू नैणा विचो तेरे लब गया। सो ये मेरी एक फटी आवाज में मैंने एक गाना अटेम्प्ट किया, अगर आप लोगों ने इसको झेल लिया और अब तक आप बने हुए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज जनरली आप लोग व्लॉग्स में बोलते थे कि मतलब व्लॉग्स में नहीं लाइव सेशन में जनरली आप लोग बोला करते थे कि गाना करके सुनाओ गाना करके सुनाओ, तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को डरा ही दिया जाए। सो अगर आप बिना डरे अब तक ये गाना सुन चुके हैं और यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ये मैंने जानबूझ कर किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अब फ्यूचर में आप लोग कभी ये ना बोले कि मैं गाना गाकर सुनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब सिंगर हूँ, आई एम नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर। सो बट ऐसे ही मुझे लगा डराना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को डरा दिया। सो जी अब डिनर वगैरह तो सब हो गया है और मैं अपने कमरे में वापस आ गया हूँ, निपटाना है अपना काम, और अब मैं काम निपटाता हूँ और पंखे के नीचे खड़ा होकर के बात करूँ तो थोड़ा सा हवा भी आपको सुनाई दे सकती है, चाहे कितने विंडशील्ड्स लगा लो लेकिन हवा कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती है। सो इसी एक क्या बोल सकते हैं बेतुकी की लाइन के साथ इसी एक बेतुकी लाइन के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को करना चाहूँगा अंत। थोड़ा थका हूँ, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को वो एनर्जी फील ना हो रही हो, बिकॉज एक्चुअली अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड में हूँ, पिछले कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल नासाज थी, खाना पीना नहीं खा पा रहा मैं अभी भी ठीक से, बट लाइफ हैज़ टू रीस्टार्ट, वही चीज़ है ना। बट बीच में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही लो था मैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई मैंने कुछ शूट वगैरह भी नहीं किया था, तो अभी फिर से कोशिश कर रहे हैं, बट ठीक है बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ, मतलब गर्मी में अक्सर होता है कि कभी कभी मेरा जो है बीपी डाउन हो जाता है,
वही थोड़ा बहुत लो एनर्जी था, लेकिन आई होप आई विल रिकवर सून। सो फिलहाल अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप दे सकते हैं हमें एक थम्स अप। अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल। और आप लोग जो अक्सर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मेरे ब्लॉग्स में जो है कमेंट भी करते हैं, सो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर हो सके, अगर आप लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अगर आप लोग लगता है मैं डिज़र्विंग हूँ, सो ये ब्लॉग्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करें आप शेयर, जिससे कि थोड़ा सा ग्रोथ मुझे भी मिल सके। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और बड़ा खतरनाक होता है। चलिए बाय बाय।